उत्तर प्रदेश में योगी जी जब तक हैं तब तक भाजपा की जीत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। हाल समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी क्या तो कोई भी दल इस समय नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके मैं कह सकता हूँ योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है और योगी ही हैं तो मैजिक है। मैं साफ साफ कहता हूँ भाजपा की अंदरूनी कला और आपसी तालमेल का अभाव ही घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार का कारण बनी। घोसी उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने एक बड़े स्तर से जीत हासिल करी है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाजपा को एक बड़ी हार मिली है, क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि इसे आप भारतीय जनता पार्टी की हार से क्यों जोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि इस सरकार इस मतलब चुनाव में उस घोसी उपचुनाव की जनता ने सबसे पहले एक दल बदलू को नकार दिया है और ये राजनीति का एक बहुत अच्छा संकेत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे राजनेता हैं जब उनको लगता है कि सत्ता पक्ष में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है या उनको अच्छा पद मिल सकता है, अच्छी शोहरत मिल सकती, उनके परिवार को पद मिल सकता है, तो निश्चित रूप से विपक्ष की राजनीति छोड़ करके सत्ता पक्ष तरफ जाना पसंद करते हैं। ये मैं दारा सिंह चौहान की बात नहीं कर रहा हूँ। दारा सिंह चौहान के साथ साथ आप कुछ दिन पहले देखे होंगे सबसे कद्दावर नेता और सबसे बड़बोलेपन नेता जो अपनी जमीनी जनाधार का उनको अंदाज़ा हो ही नहीं पा रहा है, आप उनको देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही समय ने उन्होंने अपने बड़बोलेपन की पहचान शुरू कर दी थी और ये कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में भेज दूंगा वापस, उनको मैं भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। मतलब चुनाव में जिस तरह की भाषा बोली जा रही थी वो निश्चित रूप से किसी भी नेता के अनुरूप नहीं कहा जा सकती, मर्यादा के अनुरूप नहीं कहा जा सकती। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, उनका बड़बोलापन और उसी बड़बोलेपन ने, मैं तो आज भी मानता हूँ कि अगर ओम प्रकाश राज अखिलेश यादव ने अगर राजनीति में कोई भूल की थी तो सबसे बड़ी भूल ये थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने समझौता किया था। जो सोच करके उन्होंने विधानसभा चुनाव में समझौता किया था वो सोच बिल्कुल सोच के विपरीत उनके परिणाम आए हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर बड़बोलापन न निभाते या अगर ओम प्रकाश राजभर जहर न उगलते सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम कुछ और होते और मेरा ये मानना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव उस चुनाव में फ्रंट रनर होते। अगर मतलब बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री न बनते निश्चित रूप से अपने सहयोगी दलों के बल से और वो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकते थे। लेकिन उस अखिलेश यादव ने जो गलती की, अखिलेश यादव ने राजभर को शामिल करके जो निर्णय लिया उससे भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख पाई। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उनके झांसे में आ गई ओम प्रकाश राजभर के, और ओम प्रकाश राजभर का दावा कि मैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 80 सीट जिता दूंगा, उनको जिताने में मदद करूंगा, उस दावे पर उन्होंने यकीन कर लिया। मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर कहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से कतई सहमत नहीं थे। वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सूत्रों के अनुसार ही कह सकता हूँ, ये मान बता सकता हूँ कि उनका बिल्कुल उनको ये नहीं पसंद था कि ओम प्रकाश राज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो किया जाए। लेकिन उनके दो उप मुख्यमंत्री, अब दोनों मंत्री जानते हैं उनके कितने अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री से, और उनके साथ साथ उन दो उप मंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाया या बताया कि ये ओम प्रकाश राजभर के आने से हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और लोकसभा चुनाव में हमको बिल्कुल 80 सीटों पर हमारी विजय प्राप्त होगी। उसी समझौते के आधार पर आपने देखा होगा जिस तरह उन्होंने समझाया, ओम प्रकाश की ज्वाइनिंग कराई गई दिल्ली में और केंद्रीय नेतृत्व के सामने। अब मैं समझता हूँ इस मेरा जो वहाँ तक मानना है कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कहता, ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराने में, पार्टी में शामिल कराने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राय नहीं ले गई और उनकी अनदेखी गई। अब मुख्य इस समय वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी क्या तो कोई भी दल इस समय नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके मैं कह सकता हूँ योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है और योगी ही हैं तो मैजिक है और वही असर आपने देख लिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उठापटक, उनकी अंदरूनी कलह ही घोसी उपचुनाव में उनकी हार का कारण बना। और इससे ज़्यादा क्या जानते हैं, आप सोचिए घोसी उपचुनाव में जहाँ इसके पहले आप देखते होंगे वहाँ एक गढ़ रहा है चौहान का, चौहानों का गढ़ है, चौहानों का नेतृत्व वहाँ
फागु चौहान जी किया करते थे। फागु चौहान इस समय मेघालय के गवर्नर हैं, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके बेटे निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनके बेटे राजनीति में सक्रिय हों, और जो होल्ड उनका रहा, जो उनकी पकड़ चौहान ओटो पर रही, वो पकड़ कहीं खिसकने न पाए, कहीं दरकने न पाए। उसी के तहत आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की मदद नहीं की। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वही चौहान समाज के नेता, जितने बड़े नेता, सब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी के प्रचार में नजर आए। और दूसरे भी जो भाजपा के दावेदार थे, जो पिछले चुनाव जीते थे, उनको भी लगा कि एक बार दारा चौहान के आने से हमारे भविष्य पर भी, राजनीतिक भविष्य पर भी ग्रहण लग सकता है। उन्होंने भी खुल करके सुधाकर सिंह, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की मदद की। यही कारण है, मैं साफ साफ कहता हूँ, भाजपा की अंदरूनी कला और आपसी तालमेल का अभाव ही घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार का कारण बनी। भाजपा नेतृत्व को कम से कल उपचुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश क्या कहूँगा, अब मोदी योगी आदित्यनाथ थी स्टार कैंपेनर हो चुके हैं, भारत देश के पूरे देश के प्रचार तंत्र में, प्रचार प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले चुनाव में जिस तरह आपने देखा होगा, जो स्टेट चुनाव हुए हैं, जो पहले लोग पीछे भी लोकसभा चुनाव हुए, उनमें उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो किसी से छुपी नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी जब तक हैं, तब तक भाजपा की जीत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। हाँ, मैंने बार बार कहा कि योगी ही, अकेले योगी ही चाहेंगे तो भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। सर, एक आखिरी सवाल, आपने एक बड़ी चीज़ देखी होगी इस बार घोसी उपचुनाव में, राजभर गए थे अपने समाज में वोट मांगने, उनका विरोध देखने को मिला। मैंने कहा ना, आप देखिए, जो राजभर अपने ही समाज का दावा करते थे, अपनी वोट बैंक का दावा करते थे, और ये कहते थे उनकी जमीनी हकीकत मजबूर है, अब आप देखिए उन्हीं का समाज, वो जिस तरह से दल बदल कर रहे हैं, जिस तरह से अपने ही परिवार के लिए पद की मांग कर रहे हैं, मतलब उनकी महत्वाकांक्षा को उनके समाज भी जान गया है, और इसीलिए अब समाज भी उनसे अपना किनारा कटने लगा है, किनारा कर रहा है। और ये ओम प्रकाश राजभर के लिए शुभ संकेत नहीं है, और मैं समझता हूँ इस शुभ संकेत को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से इस पर नज़र लगाए होगी, और आगे से अब ओम प्रकाश राजभर का क्या भविष्य होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये घोसी उपचुनाव का जो परिणाम आया है भाजपा के विरुद्ध, उसकी क्या वजह थी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।